इट्स अ गुड डे, इट्स अ ब्यूटीफुल डे एंड गुड मॉर्निंग वंडरफुल पीपल। दिस इज यशस्वी, आपका दोस्त और होस्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद बैगेज। सो भाई, आज का सीन ये है कि आज मैं आ गया हूँ कंसू भाई पीक के ट्रैक पे, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वन ऑफ द हाइएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र एंड ऑल्सो द एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र। सो अभी यहाँ तक कैसे आए उसके लिए आपको जाना होगा एक दिन पीछे। सो टुडे इज 19 जून, सो आपको लेके चलता हूँ 18 जून। तो हम लोग कैसे यहाँ तक आए, हाउ वी हैव टू कम हियर, और ट्रेल वी हैव टू टेक, वो सब आपको पता चलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली अभी का जो वेदर है यार, इट टोटली स्पॉइल अवर सनराइज का, जो हम लोग सोच कर आए थे कि हम लोग को सनराइज दिखाएंगे, सनराइज तो मिला नहीं। अभी वेदर तो यार बहुत ही ज़्यादा काफ़ी, तो यार मुझे लगता है कि 16-17 डिग्री हो रहा होगा, 16-17 डिग्री हो गया होगा यार। ठंडक बहुत है, हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है, और ऑब्वियसली आप हाइट पे हो यार, 5400 फीट पे हो, विच इज़ अप्रॉक्सिमेटली 1650 फीट मीटर पे, सो हाइट भी काफ़ी है। सो टिल नाउ अभी तक का ट्रैक बहुत ही ऑसम रहा था, सिर्फ सनराइज नहीं मिला, डेट्स ओके, हम कभी फिर आ जाएंगे यहाँ पे आपको दिखाएंगे। सो अभी आप देखो आगे कैसे यहाँ तक आना है, और मैं कंटिन्यू करता हूँ अपने ट्रैक को। सी यू, चलो। गुड इवनिंग, एंड आज का डेट है 18 जून, और अभी समय हो रहा है 11:50। तो कल सुबह ही ट्रैक के लिए हम लोग निकल गए हैं, एंड आज है 18 तारीख, एंड हम लोग का जाने का तरीका ऐसा था कि हमने अभी स्टार्ट किया अपना जर्नी थाने से। थाने पे हम लोग ने करीब करीब 9:30 बजे स्टार्ट किया, 9:30 बजे स्टार्ट किया, 2 घंटे हो गए, 2 घंटे होने के बाद हम लोग ये जस्ट ब्रेक फॉर डिनर, तो अभी डिनर करेंगे। करिश्मा ढाबा यहाँ पे है, तो थोड़ा अच्छा सा एम्बियंस लगा, तो यहाँ पे रुके, अभी करिश्मा ढाबा पे रुके, इधर करेंगे डिनर, डिनर करने के बाद इधर से निकलेंगे। 1 घंटा और जाने वाला है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, अप्रॉक्स 50 किलोमीटर और बचे हुए हैं, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे। उसके बाद जाएंगे वहाँ से बारी विलेज, बारी विलेज से हम लोग अपना ट्रैक करने वाले हैं स्टार्ट। बारी विलेज से हम लोग को ट्रैक करने में लगेगा अप्रॉक्स 2 से 3 घंटा, तो वो देखेंगे। तो वी ट्यून इन, मिलते हैं आपको बारी विलेज में। तो भाई इस ट्रैक में मुझे ज्वाइन करने वाले हैं 4 लोग, तो मैं अभी आप लोग को सबसे इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। तो ये निखिल भाई, और इस ट्रैक में मतलब इन्होंने मुझे बोला था, कल हम लोग का अचानक से बना प्लान, इसने बोला कि भाई चलते कंसू भाई, बोला चलो, एवरी वीक मुझे जाना ही रहता है। तो उसके बाद निखिल भाई हैं, फिर उसके बाद विशाल भाई, प्रशांत भाई और अंकित, तो हम 5 लोग जाने वाले हैं। अभी भाई खाना आ गया, तो खाते हैं खाना, खाना खाने के बाद यहाँ से चलेंगे सीधा नॉन स्टॉप टू बारी विलेज, और बारी विलेज से स्टार्ट करेंगे अपना ट्रैक। चलो फिर मिलते हैं, फिर सीधा बारी विलेज पे। हाय, सो कैसा यार, अभी हो गया हम लोग का डिनर, टाइम हो रहा है 1, और मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग को 1 घंटा यहाँ से जाने वाला है, 1 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे बारी विलेज, फिर वहाँ से करना है अगेन ट्रैक स्टार्ट। तो चलते हैं, 1 घंटे ड्राइव करेंगे, सो रिवर्स शेयर कर ले, गणपति बप्पा बोलिया, मंगल मूर्ति बोलिया। चलो फिर मिलते हैं आपको बारी विलेज पे, सी यू। देखिए सर, अभी सीन ये है कि वैसे तो प्लान ये था कि हम लोग पहुंचने वाले थे 2 बजे बारी विलेज पे, लेकिन अभी 2 यही बज गए हैं। प्लान चेंज इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग ढूंढ रहे थे थोड़ी चाय की टपरी मिली नहीं, तो एक ऐसे थोड़ा इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे रुक गए। अभी एक चीज़ करने वाले हम लोग, क्या करने वाले हैं, प्रशांत के साथ करने वाले प्रैंक। तो भाई गाड़ी अपनी गई है निकल, गाड़ी को देखे थोड़ा आगे छुपा, और फिर हम लोग करने वाले हैं उसका थोड़ा रिएक्शन रिकॉर्ड, तो देखते हैं होपफुली ये रिकॉर्ड हो जाए मेरे से, मैं कुछ तो उधर जाके छुपूंगा उसका रिकॉर्ड करूंगा। अंकित तू फटाफट बैठ, और तुम उधर जाके आगे लगाओ, ठीक है,
और मैं इधर से निकलता हूँ, उसका रिएक्शन देखते हैं। बस आने वाला है भाई साहब। क्या हुआ? किधर गए भाई सब लोग? देख लिए थे क्या? कैसे देखे? पता चल गया था क्या? भाई यार प्रैंक तो उतना अच्छा गया नहीं। प्रशांत भाई को प्रैंक करने वाले थे तो भाई तो मस्त यार, इसको हुआ ही नहीं यार प्रैंक। ये बस आ रहा है। मैं बोला भाई किधर गए सब लोग, चलो आगे जा रहे हैं। प्रशांत भाई स्मार्ट है। अच्छा भाई दिख गया मैं थोड़ा सा नीचे। एनी वेज यार मजा आया। मजा था, प्रैंक उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ लेकिन सही था। चलो भाई कल तक हो जाए होपफुली प्रैंक। तो यार चलते अभी 2 बजे स्टार्ट करने वाले। क्या अभी 1 घंटा लगेगा हम लोग को? 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा। 3 बजे तक पहुंचेंगे, स्टार्ट करने वाले थे हम लोग 2 बजे, तो 1 घंटा लेट है। 3 बजे अभी फटाफट सनराइज देखेंगे कि नहीं देखेंगे? 3 बजे अगर स्टार्ट किया तो यार देखेंगे। चलो सनराइज तो दिखाएंगे आप लोग को। सी यू मॉर्निंग वंडरफुल पब्लिक। सो अभी कैसा अपडेट ये है यार कि बज रहे हैं सुबह के 3:30 और हम लोग पहुंच गए थे यार 3 बजे तक करीब करीब बारी विलेज, और वहाँ पे हमने किया अपना कार पार्क। कार पार्किंग का आपको लगेगा 100 रुपये एंड वी हैव स्टार्टेड आवर ट्रेक। और अभी आप देख सकते हो यार पूरा अंधेरा हो रखा है, तो लाइट्स वाइट्स तो हम लोग कुछ लेकर आए थे। सो ये ट्रैक में अभी ट्रैक को लीड कर रहे निखिल भाई और हम लोग पीछे हैं। एंड होपफुली एक अच्छी बात यह है ना कि जब आप यहाँ पे आओगे तो मैप में पर्टिकुलरली लाइक परफेक्टली मैप्ड है, तो आपको इतना प्रॉब्लम तो नहीं होने वाला है। एंड हम लोग भी उसके ही भरोसे चल रहे हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं हम लोग को प्रॉपर ट्रेल मिलता है कि नहीं मिलता है। सो आई विल कंटिन्यू माय ट्रैक और मैं आपको मिलता हूँ आगे। सो भाई अभी अपडेट ये है कि बच गए हैं यार 4 और आधे घंटे हो गए हम लोग भटक गए थे रास्ता। एंड एज सेड बिफोर हम लोग ने सहारा लिया था गूगल मैप का, और गूगल मैप ने भैया सहारा दिया छोड़। तो अभी हम लोग अगेन सेम ट्रेल से वापस जा रहे हैं और फिर फिगर आउट करेंगे कि राइट ट्रेल क्या है कल सुबह का। तो चलते हैं, अभी लौटते हैं अगेन टू नीचे बेस विलेज, फिर वहाँ से ट्रैक करेंगे स्टार्ट। चलो आई विल कीप यू पोस्टेड। हाय, सो भाई अपडेट ये है कि बज रहे हैं 4:20 और हम लोग को फाइनली राइट ट्रेल मिल गया है। एंड थोड़ा तो यार यहाँ पे रिलैक्स कर रहे हैं क्योंकि आधा घंटा यार हम लोग ऊपर बहुत ऊपर चढ़ गए थे एंड ऊपर चढ़ के फिर से नीचे डिसेंड किए हैं। अभी फिर से राइट ट्रेल हमने पकड़ा है तो होपफुली अभी 4:30 तक यहाँ से निकलेंगे। तो भाई अभी अपडेट ये है कि बज रहे हैं 4:30 और अभी हम लोग पहुँच गए हैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कल सुबह ट्रेक।
तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कलसुबाई निवासनी, वही कलसुबाई ट्रैक का जो हाइट है ना कलसुबाई पीक का, दैट इज़ 5,400 feet, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1650 meters पे हाइट है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र एंड ऑल्सो ऑब्वियसली मुंबई। सो चलते यार, होपफुली मुझे लग रहा है 4:30 बजे अभी स्टार्ट करेंगे ना, तो 5, 5:30, 6 बजे पहुँच जाएंगे, तो आई विल ट्राई टू कैच सनराइज, देखते अभी होता है नहीं होता है। चलो भाई, अभी अपडेट ये है कि सुबह के बज गए हैं 5 और 4:30 बजे नीचे से चालू किया था, जब हम लोग को राइट ट्रेल मिला था राइट, तो 4:30 बजे चालू किया, आधे घंटे हुए अभी ऊपर आए हुए, और अपने तो भाई 3 भाई लोग नीचे छूट गए, विशाल और अंकित और निखिल, तो निखिल तो उन लोग को साथ दे रहा है तो वो भी नीचे है, तो 3 लोग नीचे हैं, हम लोग ऊपर चलेंगे फटाफट क्योंकि होपफुली आप लोग को सनराइज दिखाना है। तो अभी बज रहे हैं 5 और ऊपर जाने में लगेगा 1.5 घंटा, 6:30 बजे तक पहुंच जाएंगे, फास्ट फास्ट जाएंगे तो 6:30 बजे तक पहुंचेंगे, तो सनराइज़ तो दिखाएंगे। और अभी यार छोटा सा स्टॉल मिला था, अंकल ने लगाया हुआ है नींबू पानी, तो अच्छा है यार इतना सुबह अगर आपको नींबू पानी मिल जा रहा है तो बहुत बेस्ट चीज़ है, एंड तो थोड़ा रिफ्रेश करेंगे, थोड़ा एनर्जी लेंगे फिर कंटिन्यू करेंगे, तो ओके सी यू। सो कैसा भाई अपडेट, अभी ये है कि 5 बजे हमने जब लास्ट स्टॉप लिया था ना, ब्रेक लिया था नींबू पानी का, तो 5:10 पे स्टार्ट किया था, अभी 5:40, आधे घंटे हो गए हैं, और आपको ये पूरा रास्ता ना जो भी आपको एसेंड करना है ना पूरा ट्रेल, उसमें आपको ऐसे रेलिंग्स मिलेंगे, तो प्रॉपर रेलिंग के हेल्प से आप ऊपर पहुंच जाओगे। तो अभी तो आधा घंटा ट्रैक करके मैं ऊपर आया हूँ, एंड मौसम देखो यार 5:40 हो रहा है, पूरा फॉग हो रखा है, पूरा फॉग हो रखा है, तो मौसम तो यार बहुत ही सेक्सी हो रखा है सच में यार। चलते हैं, एंड मुझे नहीं लगता यार मैं आप लोगों को सनराइज़ दिखा पाऊँगा क्योंकि अच्छा खासा फॉग है अभी, एंड फॉग भी है मिस्ट भी है, मेरे चश्मे पे देख रहे होंगे। चलते हैं कंटिन्यू करते हैं ट्रैक को। बड़े दिनों बाद मैं कोई एक स्नेल देख रहा हूँ, तो सोचा आप लोग को भी दिखा देता हूँ, स्नेल है तो मुझे वीडियो को स्लोमो नहीं करना पड़ेगा क्योंकि स्नेल ऑलरेडी स्लोमो मोशन में रहता है, ये देख रहे हो इसका शेल ऊपर का, एंड आई थिंक टैप करूँगा तो ये अपने को अंदर खिलेगा, सी दिस, ओके ओके यू कैन कंटिन्यू मिस्टर स्नेल टू योर स्लो जर्नी। यार अपडेट अभी ये है कि बज रहे हैं 6:20, एंड हमने स्टार्ट किया था 4:30 बजे अपना ट्रैक, तो ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हैं, एंड जितना मैंने ब्लॉग्स में पढ़ा था ना आपको कलसुबाई पीक का ट्रैक को पूरा करने में लगता है 3.5 से 4 घंटे, तो 2 घंटे तो अपने हमने कवर कर लिए हैं, बट मुझे नहीं लगता 3 घंटा जाएगा, आधे घंटे में पहुंचेंगे ना ऊपर, 15 से 20 मिनट्स, तो 2 घंटा तो हो गए, आई थिंक 2.5 घंटे में ऊपर पहुंच जाएंगे, तो अगर आप थोड़ा पेस अच्छा करके चलोगे ना तो 2.5 घंटे में भी आप ऊपर पहुंच सकते हो, सो डोंट गो एज़ पर ब्लॉग कि 3.5 से 4 घंटे लगने वाले हैं। सो कैसा भाई, ऑलमोस्ट तो यार पहुँच गए हैं, सिर्फ 15 से 20 मिनट बाकी है टॉप को, एंड अभी तो कोई तो यार चाय का टपरी मिला था तो थोड़ा बैठ गए चाय, लेकिन अभी थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, डिसअपॉइंटमेंट इसलिए क्योंकि यार मौसम तो अच्छा भी हो रखा है, इट्स लाइक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्योंकि यार फॉग ज़्यादा है, तो एनी वे सनराइज़ तो मिलने वाला नहीं है, जितना हम लोग नॉन स्टॉप आए थे सब लोग को पीछे छोड़ के हम लोग जो इधर आए ना सनराइज़ नहीं मिलेगा, बहुत लोगों को पीछे छोड़ा, 100 से 150 लोगों को यार पीछे छोड़ा सिर्फ सनराइज़ देखने के लिए, लेकिन बिल्कुल मिस्टी सा बिल्कुल क्लाउडी सा हो रखा है और हल्की हल्की से बिल्कुल वो होता है ना बिल्कुल बारिश ऐसी बारिश हो रही है, लेकिन एनीवेज फिर कभी आएंगे, फिर कभी आपको बिल्कुल मस्त सा सनराइज़ दिखाएंगे,
आज चलो ऐसे ही ब्लॉग में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। फाइनली हेडिंग टूवर्ड्स द फाइनल लैडर द कलसूबाई पीक का ट्रैक। सो कैसा भाई लोग, मैंने आपको पहला कुछ लैडर्स नहीं दिखाए थे। ये जो आप लैडर देख रहे हो ना, इतना लंबा सा लैडर ना, ऐसे लैडर्स आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं जब आप कलसूबाई ट्रैक करोगे। आई थिंक कितने लैडर रहे होंगे यार पीछे? एटलीस्ट 10 से 12 लैडर रहेंगे। तो अभी आपको दोबारा से आई थिंक यही फाइनल लैडर है, तो चलते यार। थोड़ा सा तो यार केयरफुल होकर मुझे चलना होगा। हाथ में मेरे ट्राईपॉड है। तो सही था यार, अभी तक का सफ़र तो सही था, काफ़ी एंजॉय किया। रात में हम लोग निकले थे एंड बहुत दिनों बाद मैंने नाइट ट्रैक किया और अभी 24 घंटे से ज़्यादा हो गए लगातार सोया नहीं। हम लोग सोए नहीं ना, अभी तक सोए नहीं यार। कल सुबह के 6 बजे उठे थे, फिर डायरेक्ट इधर नाइट ट्रैक किया, इधर आ गए। लेकिन एक्सपीरियंस यार सच में बहुत सही था। ओनली थिंग इज़ अगेन मैं बोलूँगा, थोड़ा सा वही डिसअपॉइंटमेंट है कि यार सनराइज़ नहीं दिखेगा। सनराइज़ नहीं है तो यार व्यू नहीं है और ऊपर सिर्फ क्लाउड्स है। सो चलते हैं, चलो। तो भाई अभी तक का सफ़र मुझे एंड करना होगा यहीं पे, क्योंकि यार पूरा क्लाउडी सा हो रखा है, जो मैंने आपको पूरे ट्रैक में दिखा दिया। पूरा क्लाउडी है, मिस्टी है, कुछ भी दिख नहीं रहा है, पूरा बिल्कुल फॉग सा हो रखा है। सो इस कलसूबाई ट्रैक को करते हैं यहीं पे ख़त्म। इफ़ यू लाइक माई जर्नी टिल हेयर, क्योंकि आपको इतना कुछ तो देखने को नहीं मिला होगा, बट स्टिल इफ़ यू लाइक माई जर्नी प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि उससे मुझे मिलेगा थोड़ा मोटिवेशन। आई विल कीप मेकिंग दिस वंडरफुल ट्रैक्स एंड मेनी मोर वीडियोस। सो टिल देन मिलते हैं किसी और नए वीडियो, किसी और नए ट्रैक एंड किसी और नए प्लेस पे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, शुभ खैर, जय हिंद एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। चलो बाय बाय।